फिर से स्वागत करती हूँ दिल से दिल तक में आप लोगों का। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चिकन बिरयानी, बहुत ही आसान तरीके से बनाने की ये रेसिपी, जिसे आप आसानी से अपने घर पर भी बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अब एक बाउल में आधी कटोरी दही के साथ हम कुछ मसालों को मिक्स करेंगे। जैसे पहले मैंने फूड कलर थोड़ा सा मिक्स किया है, करीब चुटकी भर, फिर धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी आधी चम्मच, गरम मसाला, इन सभी को हम एक साथ इसी दही के मिक्सचर में मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ रेड कश्मीरी चिली पाउडर यूज़ किया है। चम्मच नमक भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। इन सब को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और ये हमारा मैरिनेशन मसाला तैयार है। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल मिक्स करेंगे, वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और आप सरसों का तेल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑयल एडिबल हो उसको मिक्स कर लें। और इनको हम चिकन को अच्छी तरह मिलाकर मैरिनेशन के लिए करीब एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। एक घंटे से ज़्यादा भी आप इसे रख सकते हैं, जितना अच्छा मैरिनेशन होगा उतना अच्छा ये टेस्ट करेगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चॉप करके धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी पुदीना, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से मिला लें। दो कटोरी चावलों को अच्छी तरीके से हम भिगो देंगे। इसे 15 से 20 मिनट भिगोएंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे कि जीरा, थोड़ा सा देसी घी एक चम्मच, लौंग और एक तेज़पत्ता। इन सब को डालकर हम इनको 15-20 मिनट के करीब या आधा घंटा के लिए हम इसे भिगो के रखेंगे और फिर इसे पकाएंगे। हमें इसे सिर्फ 80% ही पकाना है। इस बीच हम कुछ गरम खड़े गरम मसाले लिए हैं, जैसे छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और जीरा, तेज़पत्ता। इन सब को ऑयल में हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए फिर हम इसमें डालेंगे करीब एक कटोरी प्याज, जिसे हमने अच्छे से चॉप किया है, और बारीक कटा हुआ प्याज ही हो इस बात का ध्यान रखना है। फिर हम इसको फ्राई करेंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए। मैं एक चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और थोड़ा एक चम्मच पानी डालूंगी। जब पानी मैं इसलिए डालूंगी ताकि ये मसाले अच्छे से भुन जाए, थोड़ा सा इसका कलर निखर कर आ जाए। फिर इसे हम थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे, करीब 2 मिनट और। इस बीच में हमारे चावल पक रहे हैं, उसको पकने के लिए हमने चढ़ा दिया है जब तक कि हमारे मसाले तैयार होंगे। और हम यहाँ पे अब ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था उसको, और मीडियम आंच पर इसी तरीके से इसे धीरे धीरे फ्राई करेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरीके से इसमें डाल देंगे। जो बचे हुए मसाले हैं उसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी मिलाकर उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी देर हम जब इसको मैरिनेट के लिए 1 घंटे से 1.5 घंटे रखते हैं, जितना अच्छा मैरिनेशन होगा चिकन का टेस्ट उतना ही टेस्टी होगा। तो इसलिए इसका मैरिनेशन 1 से 1.5 घंटा तो कम से कम करके रखना ही है। अब हम इसे धीरे धीरे फ्राई करेंगे, ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे करीब, और बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। जब तक कि चिकन गल ना जाए हमें इसी तरीके से इसको फ्राई करते रहना है।
अभी तक आप देखेंगे कि हमने कोई ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, बस मसालों को ही ऐड किया है। और मसालों में अपने ही मसालों और दही इन सब के साथ ये पक रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, जबकि हमको लगेगा कि हमारे चिकन के में यदि कसर रह गया है तो आप थोड़ा सा पकने के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा कर हम पानी डालकर इसको पकाएंगे। यहाँ पे मैंने करीब आधा कप पानी मिला लिया है इसमें, और वापस से इसे आधे घंटे को करीब सॉरी 10 मिनट्स के लिए पकने देंगे और चेक करते रहेंगे। पूरी तरीके से एकदम ड्राई नहीं करना है हमको, बस हमारे चिकन के गल जाने चाहिए और हल्का सा इसके अंदर मसाला लगा रहना चाहिए। चावल 80% तक पकना चाहिए, तो इसके लिए हम इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अब हम एक मोटे तले वाली तवे को के ऊपर अपने जो हमने चिकन बनाया उस पैन को रखेंगे और सिम पर हम इसे पकने के लिए चढ़ा देंगे। यहाँ पर अब मेन बिरयानी की प्रोसीजर चालू होती है। यहाँ पे हम करेंगे चावलों के लेयरिंग, जिससे कि बहुत धीरे धीरे दम पर ये चिकन पकता रहे, हमारी बिरयानी पूरी तरह से पकती रहे। जो 80% चावल पका हुआ था वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो लेयरिंग के लिए पहले लेयर हम डालेंगे, चावलों को चारों तरफ से अच्छी तरीके से फैला देंगे। और बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करेंगे इसमें। बिरयानी मसाले के बाद हम इसमें गरम मसाला भी डालेंगे। इसको भी चारों तरफ से स्प्रिंकल करेंगे। धनिया पुदीना इनको भी हम चारों तरफ स्प्रिंकल करेंगे। हर लेयरिंग में यही प्रोसीजर होगा। अब जितना आपको बिरयानी बनानी है तो थोड़े थोड़े लेयरिंग आप करते रहिए और ये सारी लेयरिंग में यही प्रोसीजर चलेगा। मैंने यहाँ कम बनाया है तो हमने दो ही लेयरिंग रखी है। अब मैं इसमें फ्राइड अनियन को उसे भी अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। एक्चुअली में बिरयानी का स्वाद इस फ्राइड अनियन से ही आता है, फ्राइड अनियन के बिना तो बिरयानी अधूरी है। अब मैं दूसरी लेयर करूँगी यहाँ पर। वापस से फ्राइड अनियन, वही प्रोसीजर, गरम मसाला और बिरयानी मसाला इन सबको स्प्रिंकल करना है। और इसी तरीके से इसे दम पर पकाना है। इसे लगेंगे कम से कम 5-10 से 15 मिनट। आप अब मैंने यहाँ पे केसर के पानी बना के रखा हुआ था, उसको भी मैं हर जगह थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी और ये केसर की खुशबू और भी इसका स्वाद बढ़ा देगा और कलर भी हमारी बिरयानी की बहुत अच्छी आएगी। थोड़ा सा फूड कलर मैंने उसे पानी में मिलाया है, उसे भी कहीं कहीं पर हम इसे डालेंगे, पोर करेंगे। और एक्चुअली में इसका स्वाद कुछ नहीं होता है, बट ये हमारे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा देगा। तो बस अब इसे दम पर पकने देंगे हम इसे करीब 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। बीच में चेक करके देखेंगे, यदि हमारा अच्छी तरीके से चावल और सब कुछ पक चुके हैं, मेन तो चावलों को पकना है, यदि वो पक गए तो बिरयानी हमारी रेडी है।
तो अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो रेडी है बिरयानी, तैयार है हमारा चिकन बिरयानी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। ये बनाना बहुत आसान है, लेकिन बस बिरयानी के लिए चाहिए थोड़ा सा पेशेंस। तो यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को कुकिंग दिल से दिल तक। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।